नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बेहतरीन बोनस शेयर देने वाले स्टॉक्स के बारे में। दोस्तों ये स्टॉक्स इतना बोनस शेयर दिया है कि आपके 1000 शेयर अगर बाय किए होते तो ये आपके 1000 शेयर को 800,000 शेयर बना देता। तो दोस्तों समझ सकते हैं इतना बेहतरीन बोनस दिया है आपके 1000 शेयर को 800,000 शेयर, तो काफ़ी बेहतरीन बोनस दिया है ये शेयर और अपने सेक्टर का सबसे लीडिंग स्टॉक्स है बोनस शेयर देने के मामले में। जैसे मैंने आपको बहुत सारे स्टॉक्स बताए जो कि फार्मा सेक्टर से बोनस शेयर देने में सबसे लीडर था, आईटी में सब कोई जानता है विप्रो है, तो उसी तरह से सीमेंट सेक्टर का कौन सा स्टॉक्स आपको लग रहा है कि सबसे लीडर है बोनस शेयर देने में, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसमें हम एक स्टॉक सीमेंट सेक्टर से कवर कर रहे हैं कि जो कि बोनस शेयर देने में किसी से कम नहीं है, तो इसके बारे में हम इस वीडियो में बताएंगे ये कब का बोनस दिया है, क्या आप इसमें आगे ऐसे ही रिटर्न प्राप्त करने के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए ये वीडियो का बहुत ही खास होने वाला है आपके लिए और कमेंट में अवश्य बताना है कि कौन सा सीमेंट सेक्टर का स्टॉक सबसे ज़्यादा बोनस दिया है, मतलब सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है रिटेल इन्वेस्टर को, आपको कमेंट करके फटाफट बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर आ चुके हैं मनी कंट्रोल के वेबसाइट पर। यहाँ पर बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कैसे हम देखें कि कब बोनस दिया है, कब डिविडेंड दिया है, कब स्प्लिट हुआ है, तो कई सारे ये सवाल आते हैं। तो वीडियो जो बनाते हैं उसको ध्यान से देखा कीजिए। मनी कंट्रोल पर आप कोई भी स्टॉक सर्च करेंगे, जो स्टॉक होता है यहाँ पर ऊपर सर्च बार में टाइप करके उस स्टॉक को सर्च कर देना है, उसके बाद यहां पर आ जाएगा बहुत सारे ऑप्शन। अगर आपने ये नहीं देखा है कि मनी कंट्रोल पर हम कैसे सारी चीजें देखते हैं, ऊपर बटन आई बटन पे क्लिक करके आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं, चैनल का जो प्लेलिस्ट है उसमें से सबसे पहला ही वीडियो है कि मनी कंट्रोल वेबसाइट कैसे यूज करें, मनी कंट्रोल का ऐप कैसे यूज करें, आप ऐप पे भी देख सकते हैं। इससे अच्छा ऐप आपको कहीं नहीं मिलेगा जो मनी कंट्रोल का ऐप है, बहुत ही ईजी टू यूज है, बहुत आसानी से आप मनी कंट्रोल ऐप को यूज कर सकते हैं। तो उसमें जाना है कॉर्पोरेट सेक्शन पे, आप वेबसाइट पे जाएं या ऐप पे जाएं। देखिए कॉर्पोरेट सेक्शन पर क्लिक किए, यहां आ गया बोर्ड मीटिंग, कब कब बोर्ड मीटिंग है ये देख सकते हैं। तो ये जो कंपनी है देख सकते हैं 7 अगस्त को इसका बोर्ड मीटिंग आने वाला है, मतलब क्वार्टर रिजल्ट आने वाला है, तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको रखनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर डिविडेंड पर क्लिक कीजिए, तो देख लीजिए डिविडेंड काफ़ी बेहतरीन शेयर है, अपने सेक्टर में सबसे ज़्यादा डिविडेंड पे करने वाले स्टॉक में से एक है। 2020 में भी देख सकते हैं 250% का डिविडेंड, मतलब 2.50 रुपया का डिविडेंड ये दिया है अपने शेयर होल्डर को। 2019 में 3 रुपया का डिविडेंड पर शेयर, 2018 में 3 रुपया, मतलब कॉन्स्टेंट है डिविडेंड देने के रूप में। हमें लगता है 2020 में ये और ज़्यादा डिविडेंड दे सकता है, क्योंकि अभी मार्च में ही दिया, अभी और एक बार ये डिविडेंड हो सकता है तो कि अपने शेयर होल्डर को दे दे। तो देखते हैं कांस्टेंट है डिविडेंड देने में। आप देखिए बोनस 2008 में, 1994 में, 1992 में, तो ये तो आपने 3 बार ही देखा कि बोनस दिया है। लेकिन इसका जो अब देखिएगा स्टॉक स्प्लिट, 100 फेस वैल्यू से डायरेक्ट एक, 100 फेस वैल्यू से डायरेक्ट एक, मतलब आपका शेयर डायरेक्ट 100 गुना। अगर आप यहां पर 1000 शेयर बाय करते तो डायरेक्ट आपका 1000 शेयर कितना हो जाता, डायरेक्ट 100 गुना कर दीजिए 1,00,000 शेयर। डायरेक्ट स्प्लिट होने से सिर्फ 1000 शेयर आपका 1,00,000 शेयर बन जाता, तो 1,00,000% का रिटर्न तो सिर्फ स्प्लिट से आपको प्राप्त होगा। उसके बाद बोनस यहां देख सकते हैं 3 बार, तो 1,00,000 हो जाएगा आपको यहाँ 2,00,000, 2,00,000 हो जाएगा 4,00,000, 4,00,000 हो जाएगा 8,00,000, मतलब 8,00,000% का रिटर्न सिर्फ और सिर्फ आपको बोनस और स्प्लिट से मिलेगा। मतलब एक शेयर आपका 8,00,000 शेयर हो गया तो 8,00,000% का रिटर्न, क्योंकि प्राइस जिस पे आपने बाय किया था स्टॉक अभी भी प्राइस उसका उससे ऊपर है, जो आपका बाइंग प्राइस था, जो बाइंग लेवल का प्राइस था, अभी भी स्टॉक उस प्राइस से काफ़ी ऊपर है, जो कि लॉन्ग टर्म चार्ट पे हम आपको दिखाएंगे। चार्ट पे भी ये स्टॉक इतना बेहतरीन दिखता है क्योंकि चार्ट आपको बताता है, वो टेक्निकल एनालिसिस है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। आप जो है ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, ट्रेडिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें देखना पड़ता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसके चार्ट को देखते हैं, क्या वो चार्ट पे सॉलिड रिटर्न दिया है या नहीं। और ये जो हमारा वीडियो बनता है, इस तरह के वीडियो हम लगातार 2 दिन पे लाते रहते हैं, क्यों, आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे कैसा रिटर्न प्राप्त होता है, किस तरह की कंपनियां लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे अच्छा रिटर्न देती है, इसको सिखाने के लिए। आप बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर पैनी स्टॉक में फंस फंस के अपना रुपया बर्बाद करते रहते हैं। दोस्तों पैनी स्टॉक्स कोई भी मल्टीबैगर रिटर्न नहीं दिया है, ये स्टॉक्स पहले भी काफ़ी अच्छा था, अभी भी काफ़ी अच्छा है। अगर इस स्टॉक का प्राइस
मान लीजिए 700 था 2000 ईस्वी के आसपास, तो 700 समझ सकते हैं उस समय का अभी का 7000 के बराबर है, 7000 से भी अधिक वैल्यू है उसका। तो कभी भी आपको कहेगा कि जो पेनी स्टॉक है वही आगे जाकर के मल्टीबैगर बनेगा, ऐसा कभी नहीं होता है। वो स्टॉक मल्टीबैगर बनता है जिसका प्रोडक्ट में दम हो, वो स्टॉक्स मल्टीबैगर बनता है जिसका बिजनेस में ग्रोथ हो, वो स्टॉक्स मल्टीबैगर बनता है जिसका प्रॉफिट अधिक से अधिक क्रिएट होता है, जिसका प्रोडक्ट मार्केट में मोनोपोली क्रिएट करता है। आप पैनी स्टॉक्स खोजते हैं कि पैनी स्टॉक्स में वो स्टॉक खोजिए जिसका प्रोडक्ट हो सकता है कि मार्केट में लीडर बने और उसे कंपनी को पैनी शेयर से एक लार्ज कैप स्टॉक में बना दे, मतलब वो कंपनी स्मॉल कैप से लार्ज कैप बन जाए, तब आपको उसमें उस पर मल्टीबैगर रिटर्न मिलेगा। तो ये है लॉजिक, आपको लॉजिक को हमेशा फॉलो करना चाहिए। तो आपने देख लिया बोनस और स्प्लिट से आपका शेयर 1000 शेयर कितना बन गया, 800000 शेयर। तो ये तो हो गया, अब हम इसके वैल्यूएशन को देख लेते हैं। वैल्यूएशन 15000 करोड़ का मार्केट कैप है, अभी भी मिड कैप कंपनी है, अभी भी ये लार्ज कैप कंपनी नहीं हुई है। अगर ये चाहे तो अभी भी इसमें काफ़ी ग्रोथ संभव है। पी रेशियो 25 का 24.97, मतलब जो इंडस्ट्री का पी रेशियो वही इसका भी है, मतलब वैल्यू जो है इंट्रेंसिक है, अभी न तो ओवर मतलब ओवर बाउट हुआ है, ओवर वैल्यूड ना तो हुआ है, न तो अंडर वैल्यूड है, जो इंडस्ट्री है वही पे है। तो सारा चीज़ आपने देख लिया, फेस वैल्यू 1 का है, अर्निंग पर शेयर 25 रुपये का, यहाँ पर देख लीजिए EPS। तो ये सारा चीज़ देखने के बाद फाइनेंशियल देख लेते हैं, कंपनी प्रॉफिट मेक कर रही है या नहीं, कंपनी का सेल्स में ग्रोथ है या नहीं। तो यहाँ पर फाइनेंशियल पर गए, फाइनेंशियल पर थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो नेट प्रॉफिट देख लीजिए, कंपनी का नेट प्रॉफिट थोड़ा सा किसी क्वार्टर में कम हुआ है, किसी क्वार्टर में थोड़ा सा अधिक हुआ है। तो नेट सेल्स देख लेते हैं, नेट सेल्स कंपनी का लगभग कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट है मतलब कंपनी ग्रोइंग फेज में नहीं दिख रहा है। अगर हम क्वार्टर वाइज देखें तो कंपनी जो है कॉन्स्टेंट है, ना तो कंसोलिडेट कर रही है ना तो कंपनी ग्रो कर रही है, कंपनी कॉन्स्टेंट फेज में देखते हैं, कॉन्स्टेंट है इसका सेल्स। तो सारी चीज़ देखना है, कंपनी में अभी ग्रोथ नहीं दिख रहा है, तो कंपनी में ग्रोथ देखना है। अगर कंपनी ग्रोइंग फेज में है तो निश्चित है कि वो आपको काफ़ी अच्छा काफ़ी बेटर रिटर्न दे सकता है। तो ये सारी चीज़ें देख ली, अब हम कंपनी के बैलेंस शीट को देख लेते हैं, कंपनी के पास कितना डेप्ट है, क्योंकि ये बहुत मायने रखता है। तो यहाँ से कंपनी का देख लीजिए रिजर्व 4895 करोड़ का है, तो कंपनी के पास जो डेप्ट है देखते हैं 2632 करोड़ का, कंपनी के पास रिजर्व कम है और डेप्ट भी उसके आधा है। तो आपने देख लिया कंपनी कुछ खास बैलेंस शीट पे नज़र नहीं आ रहा है, मतलब कंपनी का जो बैलेंस शीट है उस पे कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है कि कंपनी काफ़ी ज़्यादा रिजर्व है, कंपनी के पास कैश बहुत ज़्यादा है। तो देखते हैं कैश और बैंक पर 91 करोड़ का है, तो बैलेंस शीट पे कंपनी कुछ खास स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रही है, क्योंकि कंपनी के पास जितना रिजर्व है उसका आधा डेप्ट भी है। उसके बाद बुक वैल्यू कंपनी का अच्छा बिल्डअप हुआ है, देखते हैं बुक वैल्यू काफ़ी बिल्डअप हुआ है, एक साल में बुक वैल्यू लगभग डबल हो गया है। तो यहाँ पर तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है कंपनी बुक वैल्यू के मामले में। अब हम रिटर्न के मामले में देख लेते हैं, डिफरेंट रेशियोज है, अर्निंग पर शेयर देखते हैं, EPS में कॉन्स्टेंट है कंपनी, कभी थोड़ा सा इंक्रीज कभी थोड़ा सा डिक्रीज। उसके बाद और सारा चीज़ देखते हैं, पर शेयर क्या प्रॉफिट हुआ है वो भी देख सकते हैं। उसके बाद नीचे चलते हैं, डेप्ट इक्विटी रेशियो देखते हैं, हाफ है, हाफ से ज़्यादा है, मतलब जितना कंपनी के पास इक्विटी है उसका आधा डेप्ट है। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट देखते हैं 11 का है, तो कंपनी का लगभग 11 के आसपास, थोड़ा सा यहाँ पर एक क्वार्टर में 19 का हुआ था, अगर 20 के ऊपर हो तो काफ़ी बेटर है। रिटर्न ऑन इक्विटी ये भी ठीक ठाक है, ज़्यादा ना तो बेटर है ना तो कम है, हर पैरामीटर जो है मतलब रेशियो जो वो ठीक ठाक है। तो हर पैरामीटर पर ठीक ठाक कंपनी है, ये ना कहे कि बहुत ही ज़्यादा ग्रोइंग फेज में है, कंपनी बहुत ही ज़्यादा रेपिडली ग्रो हो रही है, कंपनी एकदम कॉन्स्टेंट ग्रोइंग है, मतलब कांस्टेंट रूप से कंपनी अपना आगे बढ़ रही है, प्रॉफिट मेक कर रही है। तो चलिए अब हम इस कंपनी के चार्ट पे चलते हैं, शॉर्ट टर्म चार्ट और फिर लॉन्ग टर्म चार्ट। तो दोस्तों हम आ चुके हैं जीरोधा के वेबसाइट पर, यहाँ पर हम देखेंगे रिसेंट में कंपनी का जो टेक्निकल एनालिसिस है वो क्या कहता है, हमें इसमें इन्वेस्ट करनी चाहिए या वेट एंड वॉच करनी चाहिए। अगर आपने जीरोधा में अभी तक अकाउंट ओपन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाइए जीरोधा में अकाउंट ओपन कर लीजिए, और ये चार्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको काफ़ी सपोर्ट करेगा, कब आपको बाय करना चाहिए कब सेल करना चाहिए, साथ साथ पोजिशनल ट्रेडिंग में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। इंट्राडे करते हैं तो उसके लिए भी आप चार्ट देख सकते हैं।
तो यहाँ पर आप देखते हैं ये जो 100 डे का मूविंग एवरेज है उससे भी ऊपर है, 50 डे से भी ऊपर है, 200 डे का मूविंग एवरेज है उसको टच कर रहा है, उसको टच किया था पिछले ट्रेडिंग डे और आज वहाँ से इसमें थोड़ी सी गिरावट आई है। तो समझ सकते हैं 200 डे से थोड़ा सा ऊपर है। अगर 200 डे के ये जो EMA है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, अगर ये 200 डे का मूविंग एवरेज ब्रेक करता है तो यहाँ से आपको काफ़ी तेज मोमेंटम इसमें देखने मिल सकता है। ये मार्केट के डायरेक्शन पर निर्भर करता है, मार्केट हमारा किस डायरेक्शन में जाता है, साथ साथ क्वार्टर वन का जो अर्निंग है उस पर निर्भर करेगा कि हमारा 200 डे का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसे ब्रेक करता है या नहीं। तो यहाँ पर आपने देख लिया, इसको अगर ब्रेक करता है इसमें काफ़ी तेज मोमेंटम आके देखने मिल सकती है। साथ ही साथ सपोर्ट की बात करें तो इसका जो मेजर सपोर्ट है वो 600 रुपया है, 600 रुपया इसका सबसे पहला मेजर सपोर्ट है और उसको ब्रेक करता है मतलब उससे नीचे आता है तो दूसरा मेजर सपोर्ट आपको 500 के आसपास इसको मिलेगा। तो 500 इसका सबसे बड़ा सपोर्ट है और 600 पहला सपोर्ट है। तो आपने देख लिया शॉर्ट टर्म पे चार्ट पे ये क्या दिख रहा है। अब हम चलते हैं इसके लॉन्ग टर्म चार्ट को देखते हैं क्योंकि हमारा जो प्रोस्पेक्टिव होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का। तो दोस्तों ये देख सकते हैं ये हमारा लॉन्ग टर्म चार्ट है रैमको सीमेंट का, जो कि पहले मद्रास सीमेंट के नाम से जाना जाता है। इस कंपनी के बारे में पूरा पढ़िएगा तो पहले ये मद्रास कंपनी के नाम से जाना था, मद्रास सीमेंट। लॉन्ग टर्म चार्ट पर देख लीजिए यहाँ पर कितना बेहतरीन रिटर्न है इस कंपनी का। यहाँ पर देख लीजिए ये जो कंपनी है आपको इतना बेहतरीन रिटर्न दे रहा है 5000% के आसपास का, 4610% का रिटर्न दे रहा है। साथ ही साथ यहाँ जो आप चार्ट पर देख रहे हैं 2020 से 2020 20 साल में आपका जो शेयर है उसको भी 200 गुना किया है, 200 गुना किया है बोनस दे करके, मतलब 200 गुना इसका प्राइस कम दिख रहा है आपको। तो समझ सकते हैं आपका जो बोनस के कारण रिटर्न है इस 20 साल में जो चार्ट पर आपको दिख रहा है उसमें 4610% का, साथ ही साथ ये आपका बोनस के कारण शेयर को 200 गुना मल्टीप्लाई किया है मात्र 20 साल में। उससे पहले दो बार बोनस दिया था और 2003 में दिया, 2008 में दिया और काफ़ी बेहतरीन रिटर्न है चार्ट पे इसका। चार्ट देख सकते हैं आप, कभी भी इसमें थोड़ी सी गिरावट आया है, बहुत ही तेज़ी से ये रिकवर किया है ये स्टॉक्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2002 में ये 21 रुपया का दिखा रहा है, 21 रुपया को 200 से गुना कीजिए कितना होगा आप समझ जाइए, 4000 रुपये के स्टॉक्स ये वो समय भी हुआ करता था। तो कोई भी पैनी स्टॉक्स आगे चलकर मल्टी बैगर नहीं बनता है, वैसे पैनी स्टॉक्स जिसके बिजनेस में आगे काफ़ी ग्रोथ हो वही पैनी स्टॉक्स आगे जा करके मल्टी बैगर बनता है। तो इन सब बातों को आप सीख गए होंगे, तो हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही होता है। तो अगर पसंद आया हो वीडियो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।